हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम थोड़े और ऑपरेशंस देखते हैं जो हम टर्टल आर्ट में कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक स्क्वायर बनाया था, और जो स्क्वायर हमने बनाया था वो अलग अलग कमांड्स को यूज़ करके बनाया था। मतलब हमने मल्टीपल या एक से ज़्यादा फॉरवर्ड और राइट कमांड हमने यूज़ करी थी। इस बार हम एक स्टैक का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम एक दूसरे को कमांड से कैसे जोड़ सकते हैं, कमांड्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक टर्टल बनाया हुआ है और मैं दोबारा से आज एक स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। लेकिन इस बार जो स्क्वायर बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है जिस जो हमने पिछली बार से बनाया था, और ये थोड़ा आसान है जो हमने पिछली बार बनाया था। स्क्वायर बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉरवर्ड कमांड को लेकर आते हैं, और आप देख पा रहे हैं ये 100 पिक्सल आगे जाएगा, जिसकी जो दूरी है वो 100 पिक्सल है। उसके बाद हम एक राइट कमांड को लेकर आते हैं, और राइट कमांड क्या करता है, टर्टल को राइट के लिए मोड़ देता है। जैसे कि हमने पिछली बार चलाया था, सबसे पहले हमने रन कमांड को लेकर आते हैं, हमने टर्टल को आगे लेकर गए, एक फॉरवर्ड लेकर गए, उसके बाद हमने टर्टल को राइट की तरफ मोड़ा। और आपने देखा कि हम बार बार इन दोनों कमांडों को एक साथ ही चला रहे हैं। जब भी हम चला रहे हैं फॉरवर्ड और राइट एक ही साथ चला रहे हैं। इसका एक आसान तरीका है, हम इन दोनों कमांड्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए मैं फॉरवर्ड और राइट को एक दूसरे से मैंने जोड़ दिया। उसके बाद मैं एक और फॉरवर्ड को लेकर आता हूँ और मैंने इसको इससे जोड़ दिया। फिर दोबारा मैं एक राइट को लेकर आता हूँ, इससे हमारा आधा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड राइट। आप देख रहे हो मैंने ये 8 कमांड जिससे हमने पिछली बार एक स्क्वायर बनाया था, चतुर्भुज बनाया था, एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। इससे हमें फायदा ये होगा कि अब हमें सारी कमांड को अलग अलग करके नहीं चलाना पड़ेगा। ये सारी कमांड, जैसे ही मैं फर्स्ट कमांड चलाऊंगा, ये पहले ऊपर वाली फॉरवर्ड कमांड को जैसे ही मैं रन करूंगा, उसके बाद की ये सारी कमांड अपने आप ही रन हो जाएगी। वो इसलिए रन होगी क्योंकि हमने ये कमांड्स एक दूसरे से जोड़ दी हैं, और ये जो कमांड हमने एक दूसरे से जोड़ दिए इसको हम बोलते हैं स्टैक। एक दूसरे से जुड़ी कमांड्स को जो हमने बनाया है, इसका जो नेम है, जो टेक्निकल नेम है, हम उसको बोलते हैं स्टैक। तो देखते हैं हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल तरीका है ये, मैं दोबारा से रन कमांड के ऊपर जाता हूँ और सबसे पहली वाली कमांड पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया है, और मैं अभी ये कहीं पर भी दोबारा से बड़ी आसानी से एक ही बारी में स्क्वायर बना सकता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा स्क्वायर है ये एक ही बारी में बन जाएगा, कहीं पर भी बड़ी आसानी से बना सकता हूँ। अभी मुझे बार बार दोबारा उन कमांड्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गौर करने की एक और बात यह है कि हम इन कमांड्स को रिपीट भी कर रहे हैं, इसके अंदर रिपीटिशन है, हम दोहरा रहे हैं। दो मैं थोड़े एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, मैं कमांड को थोड़ा अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कुल मिला के 8 कमांड है, लेकिन जो 8 कमांड है इनके अंदर एक पेयर बना हुआ है। पेयर का मतलब एक ग्रुप बना हुआ है दो दो का। मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला ग्रुप तो ये है, दूसरा ग्रुप हमारे पास ये रहा, तीसरा ग्रुप ये रहा, चौथा ग्रुप ये रहा। तो आसानी से आपने देख लिया कि हमारे पास 4 ग्रुप बने हुए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 4 ग्रुप हमारे पास हैं। इन 4 ग्रुप को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक ही जो ग्रुप है वो एक ग्रुप को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हमें बार बार ना दोहरानी पड़े एक बार, इसके लिए हमारे पास एक और ब्लॉक है। वो ब्लॉक है हमारे पास फ्लो के अंदर, जब हम जाएंगे, ये हम फ्लो के अंदर जब हम जाते हैं यहाँ, तो आप देखते हैं हमारे पास रिपीट आता है। रिपीट का हिंदी में मतलब होता है दोहराना। जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम इन एक ही ब्लॉक को, अगर हम पहले वाले ब्लॉक की बात करें, सारे ब्लॉकों में सेम ही कमांड लिखी गई है, हम इसको सिर्फ बार बार दोहरा रहे हैं। इसको हम बड़ी आसानी से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इन कमांड्स को, जो हमने नीचे कमांड लिखी हुई है, इनको हटा देते हैं कट कमांड की मदद से। ये हमने हटा दिए। अभी हमने जो कमांड चाहिए, हमें सिर्फ फॉरवर्ड और राइट ही चाहिए, एक फॉरवर्ड और राइट चाहिए, लेकिन हमें इनको 4 बार दोहराना है, जैसे मैंने इनको बताया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिपीट कमांड को लेकर आते हैं। ये मैं रिपीट कमांड को लेकर आया हूँ, और मैं इस रिपीट कमांड के साथ इसके नीचे ये फॉरवर्ड और राइट, ये जो 2 कमांड हमारे पास है, इसको अटैच कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो हमारे पास एक बिगर, एक बड़ा स्टैक हमारे पास अभी तैयार हो चुका है। ये जो रिपीट कमांड है, इसके आगे जो 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें कितनी बार दोहराना है। अभी तो 10 लिखा हुआ है, लेकिन स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको 4 बार दोहराना है।
इसको 4 बार दोहराना है, 4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इन कमांड को अलग लेकर आता हूँ और टर्टल को सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर रख देता हूँ, और मैं अब दोबारा फॉरवर्ड क्लिक पर मैं इसको ड्राइंग हटा देता हूँ, अभी मैं इसको अगर फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ फॉरवर्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा टर्टल है वो आगे की तरफ मुड़ के राइट की तरफ हो गया है, 100 पिक्सल आगे गया है फिर राइट हो गया है। अगर यही काम हम अगर 4 बार दोहराएं तो हमारा जो स्क्वायर है कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मैंने इसके साथ ब्लॉक को अटैच किया। और अब हम इसको 4 बार दोहराने की कोशिश करते हैं, मैं इसको सिर्फ रिपीट को 1 बार रन करूंगा। ये देखिए हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये इसलिए कंप्लीट कंप्लीट हुआ है क्योंकि रिपीट की मदद से हम इन कमांड्स को, ये जो नीचे ग्रीन में जो कमांड दी गई, इनको 4 बार दोहरा रहे हैं। ये बार बार 4 बार दोहराएगा, ये रिपीट कमांड का काम होता है। आइए अब हम देखते हैं कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, हमारा जो टर्टल है ये एक ब्रश की तरह काम करता है, और इस ब्रश का कलर हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। ब्रश के कलर को चेंज करने के लिए आप पेन टूल पर आएंगे, ये पेन टूल पर, पेन के अंदर आके हमारे पास ये सेट कलर नाम का एक ब्लॉक है, कमांड है। ये कमांड को हम बाहर लेकर आते हैं, और ये जो 0 यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर को, कलर को दर्शाता है। टर्टल के अंदर, टर्टल आर्ट के अंदर हमारे पास 0 से लेके आप 100 तक कोई भी नंबर डाल दीजिए, आपको एक अलग कलर मिलेगा। आप अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा कलर आएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 25 डाल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर को दिखाता है। 25, 30 ग्रीन की ही शेड है। अगर मैं यहाँ पर 30 भी डाल देता हूँ, 30 प्रेस कर देता हूँ, तो हमारा जो कलर है उसका कलर, हमारा जो टर्टल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैं 30 पर इसको, मैंने ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर दी है, सेट कलर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, और इसके बाद अगर मैं रिपीट कमांड पर दबाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो एक स्क्वायर है वो ग्रीन कलर में कंप्लीट हो गया है, पहले ये रेड कलर में था। तो इस तरीके से हम टर्टल का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक सर्कल आर्क भी बना सकते हैं। सर्कल और आर्क बनाने के लिए हमें टर्टल के अंदर जाना होगा। टर्टल के अंदर सबसे नीचे एक आर्क टूल दिया गया है, इस आर्क टूल की मदद से हम एक सर्कल बना सकते हैं। अगर मैं इसको अभी स्क्रीन पर ड्रॉ करके लेके आता हूँ, स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, तो ये क्या करता है, इसके दो पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर, पहला पैरामीटर होता है एंगल, ये जो 180 लिखा हुआ है। दूसरा पैरामीटर होता है रेडियस, जो अभी 100 लिखा हुआ है। एंगल ये हमें बताता है कि जो सर्कल है वो कितना ड्रॉ करना है, 10 डिग्री का ड्रॉ करना है, 20 डिग्री का ड्रॉ करना है, या 180 डिग्री का ड्रॉ करना है। 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ सर्कल, और एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये सो हमें त्रिज्या बताता है कि जो सर्कल हम बनाने वाले हैं उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी। फिलहाल मैं इसको 180 और 100 पे रन करता हूँ, एक बार देखिए अगर रन करने से क्या होगा। आधा सर्कल ये हमारा बना देगा, आधा वृत्त ये बनाएगा हमारा। ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो इसने हमारा आधा जो वृत्त है वो बना दिया है। अब अगर मैं इसको एक बार दोबारा से चला देता हूँ, तो हमारा ये पूरा बन जाएगा। अब अगर मैं एक ही बारी में पूरा सर्कल बनाना चाहूँ एक ही बारी में, तो उसको बनाने का भी मेरे पास बड़ा आसान तरीका है। ये मैं 180 की जगह 360 कर देता हूँ, 360 डिग्री, और हमारा ये जो पूरी एक आर्क है वो बन जाएगी। देखिए हमारा ये पूरा सर्कल बन गया है। थैंक यू।